खरगोन में पेयजल संकट काफी गंभीर रूप से गहरा गया है। चुनाव से पहले वादा किया गया था कि खरगोन को नर्मदा का पेयजल इसी गर्मी में पिलाया जाएगा, लेकिन गर्मी पूरी हो चुकी है, जलाशय खाली है, पानी के लिए हाहाकार की स्थिति बन गई है। देजला देवाड़ा बांध और खारक बांध डेड कंडीशन में पहुंच चुके हैं, जहां कुछ ही दिनों का पानी शेष है। बावजूद इसके शहर में धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है, वाहनों की धुलाई जारी है। वहीं दूसरी ओर खारक बांध से दो पंपों को पहुंचाया गया तो वहां पर ग्रामीणों ने कर्मचारियों को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमें मुआवजा नहीं मिला है और जो पानी है उस पर हमारा अधिकार है। जिला प्रशासन की निगरानी में खरगोन कलेक्टर ने खुद पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मामले में कलेक्टर स्वयं अकेले नहीं पहुंचे, कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था, जिसके कारण पुलिस सुरक्षा के साथ स्वयं पुलिस कप्तान को लेकर पहुंचे थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक्चुअली हमारे यहाँ जो बैराज है, जहाँ से पानी लिफ्ट होकर नगर को पानी पिलाया जाता है, उसमें थोड़ा पानी कम होने लगा और खारक बांध से पानी वहाँ पहुँचा नहीं था। हम ये रिव्यू करने गए थे कि पहुँच क्यों नहीं रहा, बाद में पता लगा कि बीच में मोटर्स, जो किसानों ने मोटर ज़्यादा लगा दी थी, हमने वो मोटर सारी हटवा दी है और लगता है सुबह तक पानी हमारे डैम में पहुँच जाएगा। सर, विरोध की बातें सामने आ रही थी कि लोग पानी छोड़ने नहीं दे रहे हैं खरगोन के लिए। नहीं, विरोध तो पहले, आज से 4-5 दिन पहले जब हमने पानी लिफ्ट करना चालू किया था, तब विरोध की बात आई थी कि वहाँ कुछ किसान लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें मुआवजा नहीं मिला। आज हमारी बात भी हुई उनसे, एक्चुअली उन्हें मुआवजा मिला, दिया जा चुका है, लेकिन वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनसे मुआवजा बढ़ा दिया है और गवर्नमेंट फिर उससे हायर कोर्ट में गई और वो अभी केस चल रहा है। केस का जैसे रिजॉल्व होगी, केस में जैसे भी फैसला होगा, तब उनसे हम मुआवजा। मोटर जब्त की, मैं एक्चुअल फिगर नहीं बता सकता, लेकिन ढेरों मोटर जब्त की। कई जगह खरगोन में जो पेयजल की परेशानी को लेकर आपने इस तरीके से औचक निरीक्षण किया होगा। खरगोन में अभी कोई पेयजल की परेशानी तो है नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और रिव्यू किया। हमने आज सारी रिव्यू करने के बाद कहा है कि मानसून जी जुलाई एंड तक भी आए तो हमें पानी की कोई कमी नहीं।